हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता। मेरे घर पे पास्ता मतलब लगभग 2 महीने बाद बन रहा है। बहुत दिन से मैं पास्ता नहीं बना रही थी, बच्चे लोग बोल नहीं रहे थे तो नहीं बना रही थी। एक के घर कन्या भोजन में पास्ता मिला खाने को, तो फिर इन लोग को याद आ गया कि मम्मी पास्ता बना दो, तो पास्ता बना रही हूँ। तो सबसे पहले पानी ली और पानी में डाल दिया नमक और थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालिएगा तो पास्ता नहीं चिपकेगा। तो पास्ता एक तरफ में उबलने के लिए रख दी थी और पास्ता को एकदम अच्छे से 10 मिनट तक उबालना है। यहाँ कढ़ाई में डाले तेल और तेल, फिर लहसुन बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा और कम खाते हैं तो कम। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो कम तीखा बना रही थी। तो 1 कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, बहुत ही मतलब झटपट बना रही थी बच्चों के लिए, कुछ ज़्यादा तेल मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे इस बार पास्ता मसाला अलग ही ला दिया, मैं हर बार दूसरा पास्ता मसाला यूज़ करती थी, इस बार ये। लेकिन मैं देखी चलो कैसा लगता है, लेकिन अच्छा लगा, पास्ता मसाला बहुत अच्छा था। तो दूसरी तरफ पास्ता मेरा उबल ही रहा था और यहाँ पर चीज़ डाल दिए। चीज़ मेरा बेटे को था कि मम्मी आज चीज़ पास्ता बनाइएगा, तो चीज़ क्यूब था तो उसको मैं डाल दी, आधा डाली और आधा बाद में डालूँगी, मतलब पूरा 1 चीज़ क्यूब पूरा डाल लूँगी। पास्ता मसाला का इसका भी टेस्ट अच्छा था तो हमने ये पास्ता बना दिए। तो ये उबला हुआ पास्ता, पास्ता को ना अच्छे से एकदम उबाला करिए। मुझे ये मैदा का रहता है, पता नहीं क्या रहता है, हार्ड बहुत रहता है, तो इसको जितना अच्छा से उबालेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, कच्चापन जैसा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं एकदम 100% उबाल ली थी, ऐसा नहीं था कि 90% 95%, ऐसा नहीं, 100% इसको उबाल की बहुत अच्छे से एकदम। और इसको यहाँ पे कर लिए फ्राई, तो हो गया ये फ्राई लगभग रेडी पास्ता। आप लोगों को पास्ता कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पास्ता उतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे पास्ता हो गया रेडी। आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन गाजर मेरे घर पे नहीं था तो मैं 2 ही सब्ज़ी डाली, प्याज और शिमला मिर्च। तो और जो भी बचा हुआ था चीज़ उसको भी डाल दिए। और मुझे पास्ता में थोड़ा सा घी डालना अच्छा लगता है तो घी भी डाली। और ये टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस का पाउच इसलिए डाल रही हूँ कि हम लोग बाहर से थाली ऑर्डर किए थे तो उसमें टोमेटो सॉस दिया था, तो वो सॉस रखा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे उसको डाल लेते हैं। बाकी जो था तो अपना घर का जो सॉस था वो डालें यहाँ पे। फाइनल हो गया है रेडी और बहुत टेस्टी बना था। मुझे उतना पसंद नहीं है फिर भी बहुत बहुत अच्छा बना था। मुझे लग रहा था कि वो नया मसाला मैं यूज कर रही, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा पास्ता हो गया रेडी। बाय बाय।